सामाजिक बेनिफिट का मतलब होता है एक फायदे वाला दोस्त, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप शारीरिक सुख का आनंद ले सकते हो बिना किसी कमिटमेंट, बिना किसी जिम्मेदारी को उठाए। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोग बिल्कुल भी मजबूर नहीं होते किसी भी चीज के लिए। मतलब जो लड़का होता है इस रिलेशनशिप में, वो सेवक नहीं बनता लड़की का, मतलब उसके आगे पीछे नहीं घूमता, उसके सामान नहीं उठाता और बाकी सारी चीजें जो एक रिलेशनशिप में, एक सीरियस रिलेशनशिप में जो लड़का लड़की के लिए करता है, उसका ख्याल रखना, 24 घंटे उसकी पूछ करना, ये सारी चीजें इसमें नहीं होती। सेम इसी तरह से जो लड़की होती है इस रिलेशनशिप में, वो भी बाउंड नहीं होती, मतलब उसे अपने दोस्त के रूप में एक सेक्सुअल पार्टनर जरूर मिला होता है लेकिन वो उसका बॉडीगार्ड नहीं होता। फ्रेंड विद बेनिफिट ये जो रिलेशनशिप है, इसका चलन आजकल के नौजवानों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये डे बाय डे पॉपुलर होता जा रहा है। रीजन बिहाइंड इट कि आजकल का जो नौजवान है वो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, वो सेक्स तो करना चाहता है, सेक्सुअली नीड अपनी पूरी करना चाहता है लेकिन कोई इमोशनल ड्रामा नहीं पालना चाहता। वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में देखो तब तक नहीं पढ़ना चाहता जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, कामयाब ना हो जाए। इसलिए ऐसे जो यंगस्टर्स हैं, ये जो आजकल के नौजवान है, वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट इस तरह के रिलेशनशिप को ज्यादा अपना रहे हैं। इसको पसंद करने वालों में मेल ही नहीं फीमेल की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जैसे हर चीज के अपने फायदे और नुकसान तो होते ही हैं, तो सेम इसी तरह से इस फ्रेंड विद बेनिफिट रिलेशनशिप के भी अपने फायदे नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नंबर वन, वो लोग जो कि फालतू की सरदर्दी नहीं उठाना चाहते, जो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, जो मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित नहीं होना चाहते, उनके लिए फ्रेंड विद बेनिफिट जो रिलेशनशिप है बेस्ट ऑप्शन है। इट इज अ गोल्डन चांस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें दोनों ही अपनी बाउंड्रीज, अपने लिमिटेशन फिक्स करके इस रिलेशनशिप में एंटर होते हैं। कोई भी एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं होता, डिपेंड नहीं होता, कोई एडिशनल एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। यहाँ पर देखो वो चीजें नहीं होती जो नॉर्मल रिलेशनशिप में होती है कि आओ आकर मेरे आंसू पूछो, मैं बहुत परेशान हूँ, आकर मेरा मूड ठीक करो। मतलब अगला अपने सारे काम छोड़ के पहले जाके उसका मूड ठीक करे, तो यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होती। ये दोस्त के रूप में सेक्सुअल पार्टनर होते हैं जो कि शारीरिक रूप से भले ही जुड़े हुए होते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हुए होते, तो वो इमोशनल ड्रामा वाली चीज इनके साथ नहीं होती, वो भावनात्मक रूप से जुड़ाव इनका एक दूसरे से नहीं होता। यही रीजन है कि वो अपना करियर पर फुल फोकस कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट एडवांटेज है। नाउ सेकंड, अब क्योंकि दो लोग दोस्त होने के साथ साथ सेक्सुअल पार्टनर भी होते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं शारीरिक तौर पर, तो वो अपनी फैंटेसी को खुलकर एंजॉय कर पाते हैं, वो सेक्स को बेहतर ढंग से एंजॉय कर पाते हैं। इनके साथ वो चीजें नहीं होती यार अगली क्या कहेगी, मैं ऐसे कुछ बोलूंगा, तो वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं क्योंकि वह है ही इस रिलेशन में सेक्स को एंजॉय करने के लिए। तो उनका जो बेडरूम में अनचाहा जो प्रेशर होता है ना, वो कम होता है, इनफैक्ट ना के बराबर होता है। वो लोग अपने सेक्स लाइफ को खुलकर जीते हैं। इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी, इस फ्रेंड विद बेनिफिट रिलेशनशिप को जीते हुए भी, जो लड़का लड़की होते हैं वो कपल नहीं होते, उन्हें आप कपल नहीं कह सकते, वो खुद को भी सिंगल ही बोलते हैं क्योंकि वो एक सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो वो जब चाहे इस रिलेशनशिप को क्विट करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं, किसी और को भी डेट कर सकते हैं। यहां पर आपको कोई बाउंड करके नहीं बैठा है कि नहीं तू मेरी है और मैं तेरे साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता हूं तो मेरा तेरे ऊपर ठप्पा लग चुका है, अब तू किसी और के साथ मूव ऑन कर ही नहीं सकती। तो ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं होती, ये पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है कि वी आर हेयर फॉर सेक्स ओनली। अब चलो एक बार इसके नुकसानों पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है, सेम इसी तरह से ये फ्रेंड विद बेनिफिट का जो रिलेशनशिप है हर किसी को सूट नहीं करता। तो वो लोग जो कि ब्रॉड माइंड सेट के नहीं है लेकिन दूसरों के देखा देखी, मान लो कि किसी का कोई दोस्त है और वो फ्रेंड विद बेनिफिट रिलेशनशिप को सक्सेसफुली लीड कर रहा है, तो वो इस रिलेशनशिप में कूद जाते हैं लेकिन बाद में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा होता, उन्हें ये चीज हजम ही नहीं हो रही होती कि यार जो दिन में मेरा दोस्त है रात में मेरा लवर है, मैं इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करूं, कैसे लेकर चलूं। तो वो कंफ्यूज ही रहते हैं, बाद में क्विट कर देते हैं, टाइम भी खराब होता है। अब चलो अगर वो इस बीच में लव शव के चक्कर में पड़ गया तो फिर वही इमोशनल ड्रामा, वो अगली तो सीरियस है नहीं, वो तो अच्छे से जानती है इस कॉन्सेप्ट को, तो उसके साइड से तो कोई ऐसी चीजें है ही नहीं, और अगला परेशान, वन साइडेड लव। अब दूसरी डिसएडवांटेज, कई बार इस तरह के रिलेशनशिप में जो इमोशंस होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं,
खासकर तब जब आपको अपने दोस्त में एक बेस्ट सेक्सुअल पार्टनर मिल जाता है। रह रह के उसके दिमाग में यही आता है, कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा बंदा या ऐसी बंदी, मतलब मेरा इतना अच्छा दोस्त भी और बैक परफॉर्मर भी है, पता नहीं मुझे इन फ्यूचर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड में या मेरे हस्बैंड में इस तरह की चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैचमेंट भी डेवलप हो जाता है। अब तीसरा नुकसान, इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं देखो लॉन्ग टर्म नहीं चलते, ये टूट जाते हैं छोटी छोटी बात पे, क्योंकि कोई कमिटमेंट नाम की चीज नहीं होती है ना, कोई बाउंडेशन नहीं होती। तो इस तरह से क्या होता है कि जितना टाइम वो एक साथ रहते हैं वो टाइम वेस्ट सा लगता है, ऐसा लगता है सब कुछ वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया अपना टाइम। अब बात करते हैं सावधानियों पे। तो देखो जैसे नए जमाने का ये नया चलन है, फैशन में चीजें आ तो गई हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन। तो कोई व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल, अगर वो इमोशनल है, सीरियस रिलेशनशिप में बिलीव करता है, तो वो इस कैजुअल रिलेशनशिप, फ्रेंड विद बेनिफिट, इस तरह के रिलेशनशिप से दूरी बनाए, देखा देखी में भी ना पड़े क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि ब्रॉड माइंडसेट के हैं, इतने इमोशनल नहीं है, कैजुअल हुकअप्स भी करते रहते हैं, वो चाहे तो इस फ्रेंड विद बेनिफिट रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुली लीड करना है। तो नंबर वन कि इस रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले वो अपने फीलिंग, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, मतलब ताला मार के आए, और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को साइड में रखकर ही इस रिलेशनशिप में एंटर करें, क्योंकि यहां पर आपकी पॉजिटिवनेस को कोई झेलने वाला नहीं है, क्विट करके आगे बढ़ जाएंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, इस टाइम पास के लिए बनाए गए रिश्ते को आप प्यार का नाम तो बिल्कुल ना दें। मतलब अगर आप दो जिस्म शेयर कर रहे हो, एक बेड शेयर कर रहे हो, तो आप पति पत्नी नहीं हो, ना ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि फ्रेंड विद बेनिफिट रिलेशनशिप क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, और इसके लिए सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।